जहाँ बिरौडी हम लोग अपने तरफ से बना रहे सड़कें, वहीं प्राइवेट लोग भी सड़क बनाए, उस दिशा में सरकार ने काम किया है। मुझे खुशी इस बात की है कि पहली सड़क समय पर पूरी हुई है और ये पीएनसी के लोग, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में जहां भी काम लिया अभी तक तो समय पर पूरा किया है। अभी बगल में बदायूं की भी सड़क यही बना रहे हैं, लेकिन उसमें डिवाइडर नहीं है, इसमें तो कम से कम थोड़ा बहुत डिवाइडर दिया, हरियाली दिख रही है, लेकिन वो सड़क है उसमें हरियाली नहीं है, डिवाइडर नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश को जहां फोर लेन से जोड़ रहे हैं, अच्छी फोर लेन से जोड़ दें। और इन लोगों से भी हम कहेंगे, पीएनसी के लोगों के, जिस तरीके से आपने बरेली और ये बना दी सड़क, बदायूं और बरेली भी जल्दी बना करके उसका भी उद्घाटन करा लें, जिससे कि जनता को उसकी भी सुविधा मिल जाए। और भी सड़कें बन रही हैं। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि कैसे भी उत्तर प्रदेश खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर जाए, और खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर तभी जा सकता है, किसी भी सरकार का, किसी भी पार्टी का रास्ता है सेकुलर हो और समाजवादी रास्ता हो। कम से कम हम समाजवादी लोगों का यही रास्ता है सेकुलर और समाजवादी रास्ता, जिससे तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर उत्तर प्रदेश को हम ले जा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपने पार्टी के नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भरोसा दिलाते हैं, जहां बरेली शहर, गांव और आपका ये टर्मिनल का मामला है, उसमें भी तमाम रुकावटें दूर कर लेंगे, जिससे बरेली का टर्मिनल ठीक हो जाए। और मैं अपने अधिकारियों को भी कहूंगा कि जहां एयर टर्मिनल के लिए जगह उपलब्ध करा दें, वहीं जिलाधिकारी महोदय जल्दी से जगह निश्चित कर लें,